साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आए हैं, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप जैसे ही PGI चंडीगढ़ की वेबसाइट पे विजिट करेंगे, तो यहाँ पर आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन आई हुई है जो कि पहला आपको दिख रहा है, एडिट या करेक्शन विंडो फॉर ICMR JRF 2022। तो जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे, तो ये आपको एक सेपरेट वेबसाइट पर ले जाएगा, जहाँ पर आपको अपना लॉगिन पासवर्ड डालकर आप अपनी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो जैसा अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो जो भी आपको लॉगिन पासवर्ड दिया होगा, तो आप एक बार अपने फॉर्म को चेक कर लीजिए, और अगर आपसे कोई जाने अनजाने कोई गलती हुई हो तो आप उसका सुधार कर सकते हैं। हालांकि जो इन्होंने PDF दिया हुआ था, उसमें इन्होंने मेंशन किया था कि क्या करेक्शन कर सकते हैं आप। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो करेक्शन विंडो विल बी अवेलेबल ओनली फॉर इफ देर इज एनी अपडेट इन कैंडिडेट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो शायद इसी के लिए ही है, बट ठीक है, अगर आप इसको लॉग इन करके देखिए, क्या पता अगर आपसे कोई और भी गलती हुई हो तो शायद आप उसको रेक्टिफाई कर सकें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा ये आपका जो पोर्टल है ICMR JRF एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है। करेक्शन विंडो ये आपका 3 सितंबर सुबह 9 बजे से एक्टिव हुआ है, और करेक्शन विंडो जो चलेगा ये 4 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, तो आपके पास एक दिन का टाइम है। और जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि अब जो सारी इन्फॉर्मेशन होगी वो PGI चंडीगढ़ पे पहले आएगी, क्योंकि अगर आप ICMR की वेबसाइट पे जाएंगे तो शायद अभी आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अभी जैसा कि आप इस चैनल के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं, अगर आप बैक में जाएंगे तो ये अभी 10:47 पे अपडेट हुई है वेबसाइट। ठीक है, तो ऐसे ही जल्दी इंफॉर्मेशन और टाइम से आपको सारी चीजें बता दी जाती हैं। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन, और जैसा कि इस चैनल के पे बहुत सारे कंटेंट भी आपके एग्जाम से रिलेटेड अवेलेबल है, तो ऐसी चीजों को देखने के लिए और शानदार इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी कोई चीज़ें नहीं समझ में आती है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, और बाकी अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि इन्होंने अपना काम बहुत ही तेज़ी से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि 23 का एग्ज़ाम है, तो आज इन्होंने करेक्शन विंडो दे दिया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द ही अपना कार्य करेंगे। 23 को कोई एग्ज़ाम भी नहीं क्लैश कर रहा है। ठीक है, तो ये पेपर आपका हो जाएगा, और इसके बाद टाइम से ही आपको एडमिट कार्ड भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी